हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जो सेकंड बुक है बीएड थर्ड सेमेस्टर की, जिसका नाम है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग का यूनिट फर्स्ट है ये। और चैप्टर जो इसका यूनिट फर्स्ट का जो नेम है वो है निर्देशन। ठीक है, पूरे यूनिट में आपको सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है, निर्देशन। कुछ भी चीज होगी सब में आपको निर्देशन मिलेगा। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे कि निर्देशन का अर्थ क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे निर्देशन की कुछ परिभाषाएं। ठीक है, क्योंकि इस बार आप लोग को पता है कि सब्जेक्टिव होगा, लिखने वाला होगा, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी डेफिनेशंस याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, निर्देशन के अर्थ को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें दिया गया है, निर्देशन का अर्थ को समझने के लिए हमें यह बात माननी पड़ेगी कि निर्देशन जो है एक केंद्र बिंदु है। ठीक है, किसका, व्यक्ति है, ना कि उसकी समस्या है। ठीक है, इस दृष्टि से निर्देशन प्रारंभ से पहले उस व्यक्ति की शक्ति और उसकी योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओवरऑल कुल मिला के ऐसे बोल सकते हैं कि व्यक्ति को अगर कोई भी चीज होगा, निर्देशन देना होगा या कुछ भी करना होगा, तो पहले व्यक्ति की आप पूरी देखें, डिटेल देखें, फिर उसके बाद निर्देशन दें। ठीक है, फिर इस पर दिया गया है, फिर उस व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के योग्य बनाना जाता है। ठीक है, बनाया जाता है, यही क्रिया कौशल की क्रिया कहलाती है। इस प्रकार निर्देशन क्या होता है, चतुर्मुखी विकास प्रक्रिया है, ऑलराउंड डेवलपमेंट है, सारे जितने भी चीजें सब में पूरा ओवरऑल हो जाएगा ये। और तथा हम यह कह सकते हैं कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को अपने प्राकृतिक शक्तियों, जो नेचुरल पावर है, से अवगत कराने के उपायों का बोध कराती है। ठीक है, इस विचार में यूनाइटेड ऑफ एजुकेशन, यूनाइटेड ऑफिस ऑफ एजुकेशन से इस प्रकार व्यक्त किया है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कथन वाले वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि लिखना पड़ेगा। हाँ, क्या बोला है उसको देखते हैं, किसी व्यक्ति की प्राकृतिक शक्तियों की खोज करने की क्या चीज, सबसे पहले कि क्या व्यक्ति की क्या चीज खोज करने की, प्राकृतिक शक्तियों की खोज करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों से अवगत कराने वाली वह प्रक्रिया है, ताकि वह व्यक्ति अपने जीवन को अपने और समाज के लिए, समाज के अधिकतम हित के लिए चला सके। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर क्या बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति की कौन सी शक्तियां हैं, प्राकृतिक शक्तियों की खोज करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण। ठीक है, एक विशेष प्रशिक्षण है, विभिन्न से विधियों से अवगत कराने वाली वह प्रक्रिया है, ताकि वह अपने जीवन को कैसे अपने और समाज के अधिकतम हित के लिए वो चला सके। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ एंक्वेंटिंग द इंडिविजुअल्स विद द वेरियस वेज इंक्लूडिंग स्पेशल ट्रेनिंग इन विच ही मे डिस्कवर हिज नेचुरल्स एंड डोमेंट्स सो डैट ही मेक्स अ लिविंग टू हिज ओन बेस्ट एडवांटेज एंड दैट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, फिर इसके बाद है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्देशन का क्या अर्थ होता है, निर्देशन देना या आदेश से भिन्न है। ठीक है, तो आदेश क्या है, आदेश से भिन्न होता है। आदेश में क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, आदेश में क्या होता है, अधिकार होता है, और निर्देशन में क्या होता है, सलाह होता है। फिर अतः निर्देशन के विषय में कहा जा सकता है या कहा गया है कि या किसी बालक या किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता है। ठीक है, यह सलाह या सहायता नैतिक है, आध्यात्मिक है, तथा व्यवसायिक क्षेत्र में बड़ों द्वारा छोटों को दी जाती है। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा, इट इज अ हेल्प और एडवाइस गिवन टू सब्जेक्ट, एग्जांपल अ चाइल्ड और अ यंग पर्सन, स्पेशली बाय सुपर इन अथॉरिटी, मॉरल, स्पिरिचुअल एंड वोकेशनल। ठीक है, फिर इसके बाद है,
निर्देशन से व्यक्ति को बुद्धिमता पूर्ण चयन एवं समायोजन के लिए दी गई इस एक प्रकार की सहायता है। यह निर्देशन पर आधारित है कि सभी व्यक्तियों को अपने जीवन व्यतीत करने की शैली को चुनने का अधिकार है। यह चयन दूसरों के अधिकार क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। चयन की यह योग्यता ना तो जन्मजात होती है ना ही मूल प्रवृत्ति जन्य है। फिर इसके बाद दिया गया है इस योग्यता का भी अन्य योग्यताओं के साथ विकास है होता है। अतः शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका चयन योग्यता के विकास में व्यक्ति को सक्षम बनाना है। शिक्षाविद भी निर्देशन को शिक्षा के एक अंग अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करते हैं और शैक्षिक कार्यों में महत्वपूर्ण मानते हैं। निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति के चयनों को निरूपित नहीं किया जाता है, वरन इससे मात्र सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि व्यक्ति में स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति तथा अपने लिए चुनने की योग्यता विकसित हो। ठीक है, तो ये सब दिया गया है, बट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि निर्देशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है और किसने क्या, देखिए ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, यूनाइटेड ऑफ एजुकेशन की जो डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, विशेष प्राकृतिक शक्तियों की खोज के लिए। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नोट्स करके बना दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है उनके बारे में। तो इस पे जो पहली इम्पोर्टेंट दी गई है एमडी स्टूपर्स के द्वारा है और इन्होंने बोला है कि व्यक्ति को स्वयं तथा समाज के उपयोग के लिए स्वयं की क्षमताओं के अधिकतम विकास के प्रयोजन से नियंत्रण दी जाने वाली जो सहायता है उसे ही निर्देशन कहते हैं। ठीक है, तो किसके किसके लिए, कि व्यक्ति को स्वयं के लिए भी और किसके लिए, समाज के उपयोग के लिए। तो बस आपको सिर्फ ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इन जो एमरी स्टूपर्स हैं इन्होंने किसके बारे में बताया है कि व्यक्ति को स्वयं और तथा समाज के उपयोग के लिए जो क्षमताएँ हैं अधिकतम विकास के लिए प्रयोजन से निरंतर दी जाने वाली सहायता जो है उसे बोलते हैं निर्देशन। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा गाइडेंस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल्स टू डेवलप टू द मैक्सिमम ऑफ हिज कैपेसिटी इन द डायरेक्शन मोस्ट बेनिफिशियस टू हिमसेल्फ एंड टू सोसाइटी। फिर है चाइसुंग के अनुसार इन्होंने क्या बोला है, निर्देशन का जो उद्देश्य है व्यक्ति में उन सजीव तथा क्रियात्मक निहित शक्तियों का विकास करना है जिनकी सहायता से वह जीवन समस्याओं को सुगमता तथा सरलता पूर्वक जीवन पर्याप्त हल करने योग्य बन सके। ठीक है, तो किसने ये बोला है, चाइसोम ने बोला है। इंग्लिश में हो जाएगा गाइडेंस एंड्स टू डेवलप इन हिम इनसाइट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग एज वेल एज अ क्रिएटिव इनिशिएटिव्स वेयर बाय वी विल throughout life be able to meet and solve his own problems and adequately। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है, अच्छा दो बार हो गया ये, इसको हम लोग हटा देते हैं। हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रो एंड क्रोकी। इनका नाम तो आप लोग हर सेमेस्टर में आप लोग पढ़ते ही चले आ रहे हैं, पहले तो जब नहीं पता था तो हम लोग क्रो क्रो बस यही नाम ही लेते थे, क्रो क्रो, तो क्रो के नाम से सीधे से जाहिर से बात है कि किसका याद आता था। ठीक, वो तो अलग बात है, बट यहाँ पे हम लोग इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके बारे में देखेंगे। निर्देशन लक्ष्य निर्धारित करना नहीं है या अपने विचार को दूसरों पर लादना नहीं है, यह उन निर्णयों को जिन्हें एक व्यक्ति को अपने लिए स्वयं लेना चाहिए निश्चित करना नहीं है या दूसरों के दायित्व को अपने ऊपर लेना नहीं है, वरन निर्देशन व सहायता है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, निर्देशन व सहायता है जो एक कुशल परामर्शदाता द्वारा किसी भी आयु के व्यक्तित्व को अपने जीवन निर्देशित करने, अपना दृष्टिकोण विकसित करने, स्वयं निर्णय लेने तथा उत्तरदायित्व संभालने के लिए दी जाती है। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा गाइडेंस इज नॉट डायरेक्शन, इट इज नॉट द इम्पोजिशन ऑफ ए वंस पॉइंट ऑफ व्यू अपॉन अनदर, इट इज नॉट मेकिंग डिसीजन फॉर एन इंडिविजुअल विच ही शुड मेक फॉर हिमसेल्फ, इट इज नॉट कैरिंग द बर्डन्स ऑफ अनदर्स लाइफ,
rather guidance is existence made available by competent counselors to and individuals of any age to help him direct to his life, develop his own point of view, make his own decisions and carry his own burden. ठीक है, अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, कौन है, टैक्सलर है ये, इन्होंने क्या बोला है, निर्देशन वह है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं एवं रुचियों को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने तथा करने, उन्हें जीवन लक्ष्य को संयुक्त करने तथा अन्यतः अपनी सामाजिक व्यवस्था के वांछनीय सदस्य की दृष्टि से एक पूर्ण एवं परिपक्व आत्मनिर्देशन की स्थिति तक पहुंचने में सहायक होता है। इंग्लिश में है, गाइडेंस इज दैट विच एनेबल्स ईच इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिज एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट टू डेवलप एज वेल एज पॉसिबल एंड टू रिलेट देम टू लाइफ गोल्स एंड फाइनली टू रीच अ स्टेट ऑफ कंप्लीट एंड मैच्योर सेल्फ गाइडेंस एज डिजायरेबल मेंबर ऑफ द सोशल ऑर्डर। ठीक है, फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी याद भी हो जाएगी, प्लस छोटी सी भी है इसलिए। तो कुप्पू स्वामी के द्वारा जो उन्होंने बोला है, क्या बोला है, निर्देशन से व्यक्ति को अपने समायोजन की समस्याओं में सहायता देने की प्रक्रिया है। किस पे बोला गया है, जो निर्देशन है व्यक्ति को अपने समायोजन की समस्याओं में सहायता देने की प्रक्रिया को बोला गया है। गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन विद हिज प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये कुप्पू स्वामी के द्वारा बोला गया है, बहुत जल्दी याद हो जाएगी ये। और फिर इसके बाद बोला गया है जोन्स के अनुसार कि निर्देशन से किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल कर सके। इससे व्यक्ति आत्मनिर्देशन की दिशा में अग्रसर होता है। इंग्लिश में हो जाएगा, गाइडेंस इन्वॉल्व्स पर्सनल हेल्प गिवन बाय समवन टू एक्सिस्ट अ पर्सन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन हिज लाइफ। इट इज द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स इन सेल्फ डायरेक्शन। फिर इसके बाद है स्किनर के द्वारा, तो स्किनर की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है, नौ युवकों ने के अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन में सहायता करने की प्रक्रिया निर्देशन कहलाती है। गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग यंग पर्सन लर्न टू एडजस्ट टू सेल्फ टू अदर्स एंड टू सर्कमस्टेंसेस। फिर इसके बाद है हैमरिंग के अनुसार, निर्देशन से यह आशय है कि जॉन को अपनी शक्तियों का ज्ञान इस प्रकार करा दो जिससे कि वह अपनी शक्तियों को पहचान सके। तो इस पे इंग्लिश में क्या हो जाएगा, गाइडेंस मेक्स हेल्पिंग जॉन टू सी थ्रू हिमसेल्फ इन ऑर्डर दैट ही मे सी हिमसेल्फ टू थ्रू। फिर इसके बाद है गुड्स के द्वारा, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील अपनी संबंधों का एक प्रक्रम है। गाइडेंस द प्रोसेस ऑफ डायनेमिक्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डिजाइन्स टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड्स एंड सब्सिक्वेंट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। फिर इसके बाद दिया गया है, और ये लास्ट है डेफिनेशन इसकी, बाकी हम लोग देखिए जो अभी दो चार और भी हैं इसकी डेफिनेशंस, बट हम लोग क्या करेंगे जब रिवीजन इसका करेंगे या फिर इसकी जो एमसीक्यू सीरीज का है उसको जब देखेंगे उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर लास्ट इस पर दिया गया है लीफीवर्स टसल्स एवं वी टेड जल। तो इन्होंने अपनी जो परिभाषा है उसके बारे में बताया कि निर्देशन के शैक्षिक पहलू को ध्यान में रखकर इस प्रकार प्रस्तुत की कि निर्देशन एक कैसा है शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय से प्राप्त दीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली उपयोग करने में विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। इंग्लिश में हो जाएगा, गाइडेंस इज एन एजुकेशनल सर्विस डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स मेक मोर इफेक्टिव
इफेक्टिव यूज ऑफ द स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमने क्या क्या देख लिया कि निर्देशन का जो अर्थ है और प्लस कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनके बारे में आज हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसके बाद हम लोग निर्देशन के और भी जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहेंगे उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे और जितना भी हमारा, देखिए एमसीक्यू बहुत है इस बार जस्ट अपोजिट कर दिया कि इस बार थ्योरी होना है तो बुक में एमसीक्यू भर के दिए गए हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा एमसीक्यू हैं कि जैसे लग रहा है कि इस बार एमसीक्यू ही होगा एग्ज़ाम, बट एमसीक्यू एग्ज़ाम नहीं होना है इस बार आपका सब्जेक्टिव होगा। तो अभी से ही, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं एमसीक्यू वाले में क्या था कि बस पढ़ लिया दे आए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को नहीं याद होंगे तो लिखने में थोड़ी देखिए दिक्कत होगी। ठीक है, तो अभी से प्रैक्टिस करिए, अभी टाइम है और एग्ज़ाम में भी शायद अभी तो कुछ कन्फर्म नहीं क्योंकि अभी तो ये ख़त्म ही हुआ, तो फिर भी मान के चलिए कि नवंबर तक ही या दिसंबर तक ही या फिर उसके बाद ही होंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।